नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, आज जो आपका कृषि पर्यवेक्षक 2021 का पेपर हुआ है उसके आंसर की हम आपके सामने लेके आए हैं कि उनके एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकते हैं उनके बारे में आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपका आंसर की 130 नंबर तीन नंबर कोड तो मोस्ट ऑफ पे लिखा हुआ था, लेकिन आप क्वेश्चन से इसको मैच करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है, असंगत संधि विच्छेद कौन सा है। तो इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका थर्ड वन जाएगा, अंत्येतर अन्य प्लस उत्तर, जो थर्ड वन आंसर है वह आपका असंगत है, आंसर थर्ड वन इसमें जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। वाक्यांश के केस में असंगत विकल्प चुनना है और इसमें असंगत विकल्प है आपका सेकंड वन बी, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्णु, ये नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है, असंगत लोकोक्ति आपकी कौन सी है। तो इसमें आपका डी वन जो है आपका असंगत है, टके की चढ़ाई नो टका विदाई, धैर्य न रखना, यह आपका असंगत है। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं और चार में पूछा गया था किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है, प्रशासनिक अर्थ सुमेलित नहीं है। तो इस केस में आंसर आपका ए वन जाएगा, इनसाइट तथस्था जो है इसे सुमेलित नहीं है। पांचवा था किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है, कौन से जो है आपके पर्याय नहीं है। तो इस केस में आंसर आपका ए वाला जाएगा, धनुष कोदड़ और उरण जो है पर्याय नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छह, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत यहां पे दिया हुआ है। तो इस केस में आंसर आपका सी वन जाएगा, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि, इस केस में आंसर आपका सी वन होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवें नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि असंगत सामिक युक्त का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत है यथाविधि तत्पुरुष समास, ये असंगत है। देन क्वेश्चन नंबर आठ की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर आठ में आपसे पूछा गया था जो बोलने में बहुत चतुर हो उत वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो यह आएगा वाक्य टू, आंसर नंबर ए आपका जाएगा इसमें, है ना, वाक्य टू आएगा इसमें आंसर आपका। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं, किस कौन से शब्द जो है आपके मछली के पर्याय हैं। तो इस केस में आंसर आपका बी जाएगा, सल्की कामध्वज और कंटकी। देन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और 10वें में आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। तो इस केस में सरोजनी जो है अशुद्ध है, आंसर आपका डी जाएगा। देन 11वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, सही शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। तो इस केस में आपका आंसर ए वन जाएगा, रीति अनुसार आंसर ए वन आपका राइट होगा। देन 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है, कौन सा इसमें से असंगत है। तो इसमें आंसर आपका सी वन जाएगा, दैट इज द चास चास, नीलकंठ और खेती जूता, यह आपका असंगत है। देन 13वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, तो दैट इज द तेजस्वी और यशस्वी, यह आपका अनुचित है, आंसर सी वन जाएगा इसमें। देन अगला 14वां क्वेश्चन, परतीय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। तो इसमें से असंगत विकल्प कौन सा, इसमें असंगत विकल्प आपका बी वन होगा, माननीय विशेषण वाच्य कृत्य परतीय से निर्मित, यह आपका असंगत विकल्प है, आंसर बी वन इसमें राइट जाएगा। देन अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, लास्ट वन जो आपका हिंदी का था इसमें था निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस केस में आंसर आपका सी वन जाएगा, दैट इज द मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, इस केस में आंसर आपका सी वन होगा। साथियों 15वें नंबर क्वेश्चन हिंदी का आंसर जो निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, इस केस में आंसर आपका जो होगा वह आपका डी वन जाएगा, यह काम कोई वकील से ही हो सकता, आंसर आपका इसमें डी वन राइट होगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन था आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया था 16वां नंबर प्रश्न, कमाईचा है, कमाईचा क्या है। तो यह प्रश्न आपसे किया गया है, तो कमाईचा जो है आपका इसमें आपका आंसर वन जो जाएगा आपका ए वन जाएगा, दैट इज द वाद्य यंत्र है, कमाईचा क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसमें 17वें नंबर क्वेश्चन में पूछा था राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहां पर स्थित है, तो यह शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, आंसर आपका इसमें डी वन जाएगा। देन बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर, 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बातारी फुलवाड़ी के रचयिता तो जो है आपके विजयदान देथा, आंसर इसमें आपका
B1 जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने है 19वां नंबर, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया था, तो इसमें आएगा आपका रामगढ़ विषधारी, आंसर आपका D1 इसमें राइट होगा। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जय सिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, तो इसमें आंसर आपका आएगा आगरा, आगरा के अंदर जो ये निर्माण नहीं कराया गया था। अगला क्वेश्चन था आपके सामने 21वां नंबर कि शीतकालीन वर्षा जिसे मावठ कहते हैं यह किसकी वजह से होती है, तो इस केस में आंसर आपका जो जाएगा D1 जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों के कारण से होती है। देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने 22वां, झालरापाटन झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वह किसके द्वारा कराया गया था, आंसर आपका C1 जाएगा, दैट इज नागभट द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। देन अगला क्वेश्चन 23वां नंबर, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, तो इसमें मानगढ़ बांसवाड़ा का जो नरसंहार था जिसे जलियांवाला बाग संहार के नाम से जानते हैं। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने था जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो आपके स्वतंत्रता सेनानी जिनकी बात करें अपन सागरमल गोपा, 24 नंबर स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे, तो सागरमल गोपा जो निवासी थे जैसलमेर के निवासी थे, आंसर आपका A1 जाएगा। देन अगला क्वेश्चन था कि राजस्थानी भाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है वह आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, आंसर आपका C1 राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपके सामने 26वां कि बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं, तो उस पठार को अपन उपरमाल के नाम से जानते हैं, आंसर आपका A1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि जाजम व आजम छपाई कहां की प्रसिद्ध है, तो जाजम और आजम छपाई जो है आपके चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, आंसर आपका B1 राइट होगा। अगला था आपका क्वेश्चन कि गोसुंडी का शिलालेख कहां स्थित है, तो गोसुंडी का जो शिलालेख है यह भी आपके जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, इस केस में आंसर आपका जो जाएगा वह आपका D1 जाएगा। आप बढ़ते हैं अपन 29वें नंबर प्रश्न की ओर, 29वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से, तो मक्का उत्पादक जिलों की बात करें तो यहां पे आंसर जो राइट जाएगा वह आपका आंसर B1 राइट जाएगा, भीलवाड़ा चित्तौड़ और उदयपुर मुख्य मक्का उत्पादक जिलों में गिने जाते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने था कि वर्टिजोल मृदा किन जो है जिलों के अंदर पाई जाती है, तो वर्टिजोल मृदा यानी काली मृदा जो पाई जाती है झालावाड़ कोटा बूंदी, आंसर इसमें आपका A1 जाएगा। देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति जो होती है वह आपके कहां पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपके सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में जो चंबल वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में यह पाई जाती है। देन आगे था पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है, तो पोथीखाना जो संग्रहालय है यह आपका जयपुर में स्थित है, आंसर आपका इसमें D1 होगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 33 की ओर, 33 के अंदर आपको पूछा गया था कि जो हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था वह कौन से वर्ष में लड़ा गया था, तो इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वह आपका आंसर इसमें B1 जाएगा, वर्ष 1576 में लड़ा गया था। अगला था बड़ला या बड़ला सोलर पार्क कहां पर अवस्थित है, यह कहां पर स्थित है, तो यह जो आपका है इसमें आंसर आपका D1 जाएगा, यह जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने रावण हत्ता जो है वह एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है, तो यह तत्व वाद्य यंत्र है, आंसर आपका D1 राइट जाएगा। अगला प्रश्न था श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, तो फड़ या पट चित्रण से आंसर आपका C1 राइट जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है इसमें आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया था कि मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है कौन से माह में करते हैं, तो चैत्र माह में करते हैं, आंसर आपका C1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन था आपके सामने राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क जो है कहां पर स्थापित किया गया, तो यह आपके जोधपुर में स्थापित किया गया, आंसर आपका A1 जाएगा। देन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अंदर जो आपका आंसर जाएगा वो आपका C1 जाएगा, दैट इज द GK व्यास जो है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। देन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है, तो इस केस में आंसर आपका D1 जाएगा, उदयपुर के अंदर जो है सर्वाधिक है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले 41 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इसमें आपको पूछा गया है कि भरतपुर और करौली जो है राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, तो ये थर्ड ए में आते हैं, आंसर आपका A1 जाएगा। देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है, तो पंजाब छुआरा की अपन बात करते हैं तो पंजाब छुआरा जो है आपके टमाटर की किस्म है, आंसर इसमें आपका D जाएगा। देन अगला क्वेश्चन था कि अंधी गुड़ाई की सिफारिश किसके अंदर की जाती है, तो अंधी गुड़ाई की जो सिफारिश करते हैं वह गन्ने के अंदर करते हैं, आंसर आपका B1 राइट जाएगा।
देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिसार सुगंध DS-36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। हिसार सुगंध जो है कौन से फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म के रूप में जानी जाती है, तो ये धनिया की एक महत्वपूर्ण किस्म है। आपका आंसर इसमें D1 राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में कहां पर की गई थी, तो यह पुणे में की गई थी। आंसर इसमें आपका C1 राइट होगा, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन था आपका आधार बीज या फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग जो है लगा रहता है, तो इस केस में आपका आंसर जो जाएगा वो आपका D1 जाएगा। सफेद रंग का टैग जो होता है उसके टैग होता है। देन अगला 47वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है, बाजरे के ऊपर परजीवी खरपतवार के रूप में कौन होता है, तो इस केस में स्ट्राइगस प्रीजीज जो होती है बाजरे और ज्वार के ऊपर परजीवी के रूप में होती है। आंसर A1 जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले नॉर्थ बोर्ड ने किया था। आंसर आपका इसमें B1 जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था 49 नंबर में कि 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 150 किलोग्राम नत्रजन हेतु कितनी यूरिया की रिक्वायरमेंट आपकी होगी, यह प्रश्न आपसे किया गया था, और इस केस में आपका आंसर जो है A1 जाएगा, 3255 किलोग्राम। आंसर आपका A1 राइट होगा। इसके बाद 50वें नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था एक मर्दा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेमी है, कण घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेमी है, तो इसके लिए रंध्रावकाश की परसेंटेज आपको ज्ञात करनी थी, और इस केस में आपका राइट आंसर जाएगा आपका B1 जाएगा, दैट इज द 42 आएगा। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपके सामने 51, जिसमें आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले संकर चावल की किस्म है, तो PRS-10। आंसर इसमें आपका A1 जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसे रेशों का राजा भी कहा जाता है, रेशों का राजा किसे कहते हैं, तो कपास को कहते हैं। इसमें आंसर आपका A1 राइट जाएगा। देन अगला क्वेश्चन था कि किस प्रकार के मर्दा अपरदन में मर्दा मैट्रिक्स परिवेक्ष नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक जो है पता नहीं चल पाता है, तो इसमें परत अपरदन आएगा, सीट इरोजन आएगा। आंसर आपका इसमें C1 होगा। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया था कि यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज क्या है, तो यह आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी कि आंसर आपका C1 जाएगा, दैट इज द जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला है, यह आपको पता होना चाहिए। देन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 के अंदर आपको पूछा गया था जौ का वानस्पतिक नाम क्या है, तो जौ का वानस्पतिक नाम जो है वह आपका है होर्डियम वल्गेर। आंसर आपका B1 राइट होगा। अगला प्रश्न था आपके सामने कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं, तो आप जानते हैं कैमल क्रॉप के नाम से जो जानते हैं वो अपन ज्वार को जानते हैं, सोरगम को जानते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अनुसार जो है सील्ड के कणों का जो आकार होता है वह आपका कितना होता है, तो इस केस में आंसर आपका A1 जाएगा, 0.02 से 0.002 mm होता है। देन अगला क्वेश्चन था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना जो है कहां पर की गई है, तो यह भोपाल में की गई है। आंसर आपका D1 राइट होगा। अगला प्रश्न था 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है, तो वो है आपकी मक्का, और मक्का इसी कमी की वजह से अपन ने जानते हो कि HQPM डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे आप ई-नाम के नाम से जानते हो इसकी शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुई थी, तो इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसमें आंसर आपका B1 राइट जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था गमोसिस जो है किस फल का एक प्रमुख विकार के रूप में जाना जाता है, तो नींबू वर्गीय फल का विकार है। इसमें आंसर आपका C1 राइट जाएगा। अगला प्रश्न था कि खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है, तो खजूर का वानस्पतिक नाम जो है फिनिक्स डेक्टाइलोफोरा। आंसर आपका इसमें C1 राइट जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था 63, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है, तो सूखा प्रतिरोधी में आपका अमरूद आएगा। आंसर इसमें C1 राइट होगा। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सुगर बेबी जो है किस फसल की किस्म के रूप में जानी जाती है, तो सुगर बेबी की बात करें तो ये जो है आपके तरबूज की एक प्रमुख किस्म के रूप में, वाटरमेलन की एक किस्म के रूप में जानी जाती है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर की ओर, नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है, उपयुक्त माध्यम जो है नर्सरी के पौधों के लिए कौन सा माना गया है, तो इस केस में आपका राइट आंसर जो जाएगा ये मर्दा पेलाइट और स्पिनग्रास ये इत्यादि आएंगे, उपरोक्त सभी आएगा इस केस में आंसर आपका। देन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिस फ्रूट इज ए इंडिजिनस, यह कौन सा है जो भारत के लिए स्वदेशी है, स्वदेशी फल जो है आपका कौन सा है, तो इस केस में आंसर जो है आपका सी जाएगा, दैट इज द बेर जो है भारत का एक स्वदेशी फल के रूप में जाना जाता है। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया था 67 नंबर के अंदर कि सिंचाई की वह प्रणाली जो पौधे के उसके उपभोग उपयोग के पानी की आपूर्ति करती है, जो पानी की आपूर्ति करने के लिए काम में ली जाता है, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, तो इस केस में जो आपका आंसर होगा दैट इज द बूंद बूंद सिंचाई। आंसर आपका A1 जो होगा इसमें राइट होगा।
देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि यह एक प्रणालिक कीटनाशी यानी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो ऑप्शन दे रखे उसके अनुसार आपका डाइमिथोएट जाएगा, आंसर आपका B1 राइट होगा। देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि भंडारण के दौरान प्याज में फूटान को रोकने के लिए किस हार्मोन को यूज लेते हैं, तो इसमें मैलिक हाइड्रोजोइड को उपयोग में लेते हैं, आंसर इसमें आपका A1 जाएगा। देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि जिब्रेलिन की जो खोज है कौन से जापानी वैज्ञानिक के द्वारा की गई, कुरोसोवा द्वारा की गई, इसमें आंसर आपका A1 राइट होगा। देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि आमतौर पर पेक्टिन बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए पेक्टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0.5 से 1% होनी चाहिए, आंसर इसमें आपका B1 जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है, तो पुष्कर जो है गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है, इस केस में आंसर आपका B1 राइट होगा। अगला था कि विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसमें आपका भारत है, इस केस में आंसर आपका A1 जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि यह पौधों की संदाई की एक कला है जिसके अंदर पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसे सजावटी आकार दिया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, तो उसे अपन परगोला और टोपियरी दोनों नामों से जानते हैं, इसलिए इस केस में आंसर आपका C1 जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुफरी, पुखराज, कुफरी सितमान, कुफरी अलंकार जो है किसकी किस्में है, तो कुफरी वाली सारी वेराइटी मोस्ट ऑफ आपके आलू की है, इसमें आंसर आपका B जाएगा। देन अगला है वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है, तो ये आपके अंगूर का नाम है, इसमें आंसर आपका B1 जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किस फल की जो है सब्जी की किस्म है, तो ये आपके पत्ता गोभी की, इस केस में आंसर आपका D1 जाएगा, केबेज। देन आगे है लिकोरोसिस इस नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है मूलेठी, इसमें आंसर आपका B1 जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसको चाइनीज लेरिंग, पोर्ट लेरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो किसको जानते हैं, इसको एयर लेरिंग को जानते हैं, इस केस में आंसर आपका B1 राइट होगा। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जेएम में साधारणतया टीएसएस की कितनी मात्रा होती है, तो 68.5 होती है, इस केस में आंसर आपका C1 जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो आपका गर्भर विधि है, गर्भर परीक्षण जो है किसके लिए काम में लिया जाता है, तो दूध में वसा निकालने के लिए, इस केस में आपका आंसर जो जाएगा वह आपका A1 जाएगा। अगला प्रश्न था आपके सामने कि हंसिया के आकार के सिकल शेप्ड जो सिंग होते हैं वह कौन से पशु में होते हैं, तो ये सुरती में होते हैं, आंसर आपका इसमें A1 जाएगा। देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है, ऊन के लिए जो भेड़ की जो नस्ल है, विश्व प्रसिद्ध जो नस्ल है वह आपकी कौन सी मानी जाती है, तो इसमें मेरिनो आएगा, आंसर आपका A1 जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिफर को कहा जाता है, हिफर को अपन किस नाम से जानते हैं, यह प्रश्न आपसे किया गया था, इस केस में आपका आंसर जाएगा कि पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को जो है हिफर के नाम से जानते हैं, आंसर आपका C1 जाएगा। अगला 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मेमने में पूछ हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूछ हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह आपकी डॉकिंग कहलाती है, आंसर इसमें आपका D1 राइट होगा। अगला प्रश्न था आपके सामने केपरा हिरकस जो है यह आपके किसका वैज्ञानिक नाम के रूप में जाना जाता है, तो यह आपके बकरी का नाम है, इस केस में आंसर आपका D1 जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 87 की ओर। 87 के अंदर आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में, विरेचक के रूप में किसका प्रयोग जो है किया जाता है, तो उपरोक्त सभी का प्रयोग जो है विरेचक के रूप में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरंडी का तेल, मैग्नेस सल्फेट, ये तीनों ही आएंगे, उपरोक्त सभी ऑप्शन जाएगा। देन 88 के अंदर आपको पूछा गया था कि खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इस केस में सही नहीं है आपका फर्स्ट वन है, दैट इज द खीस को शरीर भार का 20% दर से देना चाहिए, आप जानते हो 10% की दर से ही देना चाहिए, तो आंसर जो होगा A1 गलत है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि गाय की होलिस्टीन फ्रीजन नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वह कौन सा माना गया है, तो होलैंड माना गया है, इस केस में आंसर आपका A1 राइट होगा। अगला प्रश्न था आपके सामने निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है, तो बकरी की विदेशी नस्ल आपकी टोगन वर्ग है, इस केस में आंसर आपका A1 होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कुक्कुट रोग को न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, तो किसे अपन न्यूकैसल डिजीज कहते हैं, रानीखेत को न्यूकैसल डिजीज कहते हैं, इस केस में आंसर आपका A1 होगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो था 92 नंबर जिसके अंदर आपको पूछा गया था कि भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतया जाना जाता है, अरेबियन प्रजाति को किस नाम से किस तरह से जाना जाता है, तो इस केस में आपका ड्रोमेडेरी, इस केस में आंसर जो होगा आपका D1 जाएगा, ड्रोमेडेरी के नाम से जाना जाता है। देन 93 के अंदर आपको पूछा गया था कि निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो जो है भेड़ की किस नस्ल को कहा गया है, तो चोकला को कहा गया है, इस केस में आंसर आपका D1 होगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर था आपके सामने कि निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाले कृमिनाशक दवा जो है आपकी कौन सी है, तो इस केस में जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका
आइवरमेक्टिन, इस केस में आंसर आपका डी वन जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपके सामने खुरपका मुंहपका रोग है, तो खुरपका मुंहपका जो रोग है वह आपका किस प्रकार का रोग है, तो इस केस में आंसर आपका जाएगा डी, ससंगक यानी कंटीजियस प्रकार का यह रोग है। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि तांबे के रंग का, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, तो ये जो है आपके बदावरी नस्ल की विशेषता है। आंसर जो होगा इसमें आपका बी वन राइट होगा। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि यदि दूध का सी एल आर 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, यह प्रश्न आपसे किया गया था। इस केस में आंसर आपका बी वन होगा, 1.028 होगा। देन 98 नंबर में पूछा गया था एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो इस केस में आंसर आपका डी वन होगा, उसमें संख्या जो होगी 34 होगी। देन बढ़ते हैं अपन आगे और अगला क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया था 99 के अंदर कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पर स्थित है, तो यह आप जानते हो केंद्रीय आपको पूछा गया है, केंद्रीय सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पूछा गया है, तो यह जो है आपका अविकानगर मालपुरा टोंक में है। इस केस में आंसर आपका बी वन जाएगा। और सबसे लास्ट प्रश्न था कि नवीनतम पशुगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का जो है कौन सा स्थान है, यह प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न था और इसमें अपना राजस्थान का स्थान जो है आपका प्रथम स्थान है जो आपको मालूम होना चाहिए। और आपको बता दूं ये ज्यादातर जो प्रश्न है आपके हल्दर क्लासेस उदयपुर पे जो हमने सोल्व कराए, जो हमने क्लासेस ली उसके अंदर मिल रहे हैं। और इसमें जो मेरी एक पुस्तक है एग्रीकल्चर सार, जो आपकी पुस्तक है ये आपने पढ़ी होगी, इसमें भी मैक्सिमम प्रश्न आपके मिले हैं, आप मैच कर सकते हो और ये आपकी पूरी आंसर की हुई है। इसमें मैक्सिमम हमारी कोशिश यही रही मैक्सिमम आपके आंसर राइट है, एक दो प्रश्न हो सकते हैं कि इसमें कोई आपका जो है उसमें व्यवधान आ सकता है। तो जो भी बच्चा जेट की तैयारी करना चाहता है लॉन्ग ईयर की वो हल्दर क्लासेस से जुड़ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।